भैया तू डिजाइन करियो पीट चले या गोली क्योंकि एपिक को बेस पसंद है। हेलो एवरीवन, भारत केमिस्ट्री क्लासेस के नए वीडियो में मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कन्वर्जन भी बहुत आ जाते हैं एंड मतलब कंप्लीट द रिएक्शन भी बहुत आ जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एंड इसको एक सिंपल से ट्रिक से करेंगे, एक मिनट के अंदर आपको ट्रिक याद हो जाने वाली है और फिर कभी भी आपकी रिएक्शन गलत नहीं होगी। तो देखिए क्या होता, पहले समझते हैं कि होता क्या है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए होफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है वो मोस्टली फेमस है डीग्रेडेशन के नाम से, डीग्रेडेशन। नाउ व्हाट इज डीग्रेडेशन, देखिए जैसे आजकल क्या है एंड्रॉयड वर्जन आया हुआ है ओरियो, बट मैक्सिमम मोबाइल के अंदर है नोगट। तो नोगट से ओरियो में जाएंगे तो ये हुआ अपग्रेड, और अगर हम नोगट से नीचे चले जाएं मींस नोगट से नीचे मार्समेलो में चले जाएं तो ये हो जाता है डिग्रेड। मींस डिग्रेड क्या होता है कि आपके पास 3 कार्बन का कोई रिएक्टेंट है उससे आपने 2 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बनाया, या 4 कार्बन का कोई रिएक्टेंट है उससे आपने 3 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बनाया, मींस नीचे जाना, यही हमारा होता है डिग्रेडेशन। करते क्या है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, अमाइड से एक डिग्रेडेड अमाइन हम लोग बनाया करते हैं। तो यह तो बात हुई इस रिएक्शन में हम करते क्या है। अब बात यह कि इस रिएक्शन को हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए होफमैन भाई साहब ने बेबी बनाया किसको, अमाइड को एंड ब्रोम को, मींस ब्रोम अमाइड को। होफमैन भाई साहब ने बेबी बना लिया मींस गर्लफ्रेंड बनाया किसको, ब्रोम अमाइड को। एंड बेबी को आपको पता ही है बेबी को क्या पसंद हुआ करता है, बेस। बेबी को बेस पसंद है एंड देन ये हमारा बन जाएगा अमाइन के अंदर। ये सिंपल सी हमारी ट्रिक है। होफमैन भाई साहब की बेबी थी कौन, ब्रोमाइड, एंड बेबी को बेस पसंद था, सबने रिएक्ट किया एंड ये हमारा क्या बन गया, अमाइन। नाउ आते हैं रिएक्शन के ऊपर। जैसे कोई एक अमाइड ले लेते हैं हम लोग, CH3CONH2, फिर हमने इसकी रिएक्शन करी थी ब्रोम, ब्रोमींस ब्रोमीन के साथ Br2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस यहाँ पे NaOH हो सकता है या फिर KOH भी हो सकता है। 4 times आप लोग यहाँ पे KOH लोगे, आप लोग लिख सकते हो इस KOH को कैसे, KOH, 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 कुछ इस तरह से। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं कि ये जो मेटल्स होती हैं ये नॉन मेटल की तरफ बड़ा अट्रैक्टिव होती हैं। ये हमारा हो जाएगा -2 KBr। फिर क्या होगा कि ये जो H है ये H हमारे बनाएंगे H एंड OH मिलके H2O, माइनस हो गया 2H2O, बचते हैं ये KO, ये K हो जाएगा हमारा इस CO के साथ, ये हमारा बन जाएगा K2CO3 -K2CO3, बचा गया CH3NH2, जबकि अमाइड था हमारा इथेनोमाइड और बना है हमारा मिथेनोमाइड। तो ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। याद रखने की ट्रिक क्या है इसकी, बेबी को बेस पसंद है, बेबी कौन, ब्रोमाइड, और बेस मींस KOH या फिर NaOH, किसका बेबी है, होफमैन का। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।